हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी पानी पूरी का मसाला। तो उसके लिए जो मसाले में हमें चाहिए वो है बटानी, मटर है जो, इसको हमने कुकर में सीटियां लगवा दी हैं 4 से 5। उसमें नमक नहीं ऐड किया था हमने, हल्दी और लाल मिर्च ऐड करके हमने इसे कुकर में सीटियां लगाई है। ये इसका पानी है और ये है गाजर जो हमने किस लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम लोग कढ़ाई में सारे मटर ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम लोग एक छोटा चम्मच नमक का ऐड कर देंगे और एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का भी। ये जो हैदराबाद के जो पानी पूरी का मसाला होता है ये मोस्टली गर्म ही सर्व किया जाता है, तो हम भी इसे आप भी गर्म गर्म ही खाइए। तो अब हम इसमें लाल मिर्च ऐड कर देते हैं साथ में और थोड़ा सा काला नमक। तो अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, ये ऑप्शनल है काली मिर्च का पाउडर, अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे मिक्स कर लेंगे हम लोग अच्छे से और थोड़ा सा ना बटानियों को हम लोग मैश कर लेंगे। तो ऐसे ही इसको अच्छे से मैश कर लीजिएगा। अब क्या है, इसमें हम लोग हल्का सा पानी ऐड कर देंगे ताकि थोड़ा सा क्या ग्रेवी टाइप करें। जो हमारे पास पानी है इसका उबला हुआ, वही पानी हम ऐड कर लेंगे इसमें। तो लीजिए मसाला बनके रेडी है। अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं। तो अब हम इसमें थोड़ी सी ऊपर से गाजर डेकोरेट कर लेंगे, हल्का सा धनिया ऐड कर लेंगे इसके ऊपर। अब इसमें हल्के से हम प्याज ऊपर से डालेंगे और हमारा पानी पूरी का मसाला रेडी। इस गरम मसाले को पुदीने के ठंडे पानी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये हैदराबाद में आपको हर जगह मिलेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।